नमस्ते दोस्तों, आज हम धम्म लिपि के एक पिलर का अध्ययन करेंगे जिसे सम्राट अशोक के द्वारा स्थापित किया गया था। यह एक रोमन देई पिलर इंस्क्रिप्शन को सम्राट अशोक ने अपने राज्य अभिषेक के 20वें वर्ष में ग्राम लुम्बिनी में स्वयं पहुंचकर स्थापित करवाया था। ग्राम लुम्बिनी में भगवान बुद्ध का जन्म होने की याद के फलस्वरूप और सम्राट अशोक के द्वारा स्वयं उस स्थान की पूजा करने के संबंध में इस स्तंभ का वहां पर स्थापित किया गया था। आइए हम स्तंभ पर लिखे अभिलेख को पढ़ते हैं। देवानंग पियेन पियदस्सिन लाजन बीसति बसा भीषितेन अतन अगाच महियते हिद बुधे जाते सक्य मुनीति सिला बिगड़ भी च कालापित सिला थमे च उस पापीते हिद भगवंग जाते ती लुम्बिनी गामे उबली के कटे अठ भागिये चे अर्थात सम्राट अशोक का एक छोटा सा अभिलेख जो आज भी वहां पर स्थित है, बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलेख है। इसका ऊपरी भाग अभी टूट गया है, अर्थात ये तीन सेंटेंस है, ए बी और सी से मैंने डिफाइन किया है इसको। देवानंद पियन पियदस्सी अशोक का नाम है, सम्राट अशोक का। अर्थात हम पढ़ते हैं, जब राजा देवानंद पियदस्सी अपने राज्य अभिषेक के 20वें साल में यहाँ आए, उन्होंने स्वयं आकर इस स्थान की पूजा की क्योंकि बुद्ध शाक्य मुनि का जन्म यहीं हुआ था। इस स्थान पर बुद्ध के जन्म के याद में उन्होंने एक पत्थर का स्तंभ स्थापित किया जिसके ऊपरी भाग पर एक घोड़ा बना था। तीन, लुम्बिनी गांव को करों से मुक्त कर दिया और उत्पादन का केवल 8वां हिस्सा चुकाने के लिए सम्राट अशोक द्वारा कहा गया। यहां पर महत्वपूर्ण दो शब्द हम बड़े गौर से देखेंगे जो हमारी लिपि में बहुत अक्सर उपयोग होते रहे हैं। बुधे को बुद्ध लिखा है, आधा दा इसमें नहीं है, बुद्ध को बुधे लिखा है, बुद्ध लिखा है। दूसरा शक्य मुनि में आधा का और आधा या आया है, इसलिए हमारी धम्म लिपि के हिसाब से ये दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। आप इस अभिलेख को अपनी नोटबुक पर लिखिए, पढ़िए और धम्म लिपि का अध्ययन कीजिए। धन्यवाद।